प्यारे बच्चों, अडूला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्लास 7 मैथ की वर्कशीट 37, 10 दिसंबर की ये वर्कशीट है बच्चों। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन से है रिलेटेड कि आपको एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचनी है, मतलब एक लाइन के बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से एक लाइन ऐसी जानी चाहिए जो इस लाइन के पहली वाली लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। तो इसके लिए हमें रूलर कंपास की जरूरत पड़ेगी, वो आप अपने पास रखिए साथ में पेंसिल। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है ध्यान रखिएगा। एक लाइन एल लेनी है हमें, तो हमने ये लाइन ले ली एल, ठीक है बच्चों। अब इस लाइन के बाहर कहीं पॉइंट ए ले लेंगे, ये हमने पॉइंट ले लिया ए। अब इस लाइन एल पे एक पॉइंट और ले लेते हैं बी। अब बी पे हम क्या करेंगे, बी को ए से हम ज्वाइन कर देंगे, ये बी को ए से ज्वाइन कर दिया। अब बी को सेंटर मान के एक आर्क लगानी है आपको ऐसे, जो सी और डी पे काट रही होगी। इतना समझ में आ गया ना। अब हमें क्या करना है, यही आर्क ठीक ए से भी हमें लगा देनी है, इस तरह से लगा दी। हमने नाम दे सकते हो ई एफ जी, जो भी नाम देना है। अब सी और डी की लंबाई को नाप लीजिए, यानी कैसे नापेंगे, प्रकार की नोक को यहाँ रखिए, ठीक है, और ये डी पेंसिल को यहाँ रखिए, आपको प्रकार खुला हुआ नजर आएगा, और उतना ही प्रकार खुला रहने से बंद ज्यादा नहीं करेंगे। आप जी पे रखेंगे नोक को, और यहाँ पे आप एक देखिए जी पे रखा, और यहाँ एक आपने आर्क लगा दिया। अब ए और एच से होती हुई एक लाइन को आप खींच देंगे, और ये लाइन एल के पैरेलल जाएगी, इसका नाम हमने एम दे दिया, एल पैरेलल एम के, पैरेलल का ये सिंबल है। यही क्वेश्चन हमें करने हैं। तो ये थे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहे थे, जिसकी मदद से हमने दो लाइन पैरेलल खींच के दिखा दी। तो क्या ये सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में भी होता है, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट एक एक्स वाई दे रखा है, चलिए लाइन सेगमेंट खींच लेते हैं। हिंदी मीडियम में लाइन दिया हुआ था, हमने लाइन सेगमेंट खींच लिया। लेंथ नहीं बोली तो कितनी भी लेंथ का आप इसे खींच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स और वाई दो पॉइंट हो गए ना एंड पॉइंट इसके। अब क्या करना है, एक पॉइंट लेना है पी इसके बाहर, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब क्या करना है, यूजिंग रूलर एंड कंपास ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई पासिंग थ्रू सी, जो सी से पास होती है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक दिख रही है, यहाँ पी ही आएगा। आप एक काम कीजिए, इस एक्स वाई पे एक पॉइंट ले लेते कहीं भी, इसका नाम मैं सी दे देती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी को पी से ज्वाइन करेंगे, फुट्टे की मदद से करना है इसको। अब प्रकार को खोलना है, सी पे पॉइंट रखना है नोक को, और ये आर्क लगा देनी है, मान लेते हैं डी और ई आगे। अब हम क्या करेंगे, यही आर्क पी से भी हम लगा देंगे, लग गया। आप इसका नाम जो भी देना चाहे दे सकते हैं, एफ दे दीजिए। आप डी पे नोक रख के ई तक आप नाप लीजिए प्रकार की पेंसिल, मतलब पेंसिल यहाँ पे होनी चाहिए, नोक यहाँ होनी चाहिए डी पे। डी और ई की लंबाई नाप गई, प्रकार से जितना प्रकार खुला हुआ है उतना ही खुला रहना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एफ पे प्रकार की नोक रखेंगे कंपास की, और पेंसिल यहाँ रखेंगे, उतना ही आर्क लगा देंगे। मान लीजिए इसका नाम जी है। अब जी और पी को मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है, जो कि क्या होनी चाहिए, एक्स वाई के पैरेलल होनी चाहिए। मान लेते हैं वो लाइन एल है, एल इज पैरेलल टू एक्स वाई, क्लियर हो गया ना, लाइन पैरेलल है एक्स वाई की, और वो पी से होती हुई जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, इस बार एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमने एक लाइन एल ड्रॉ कर दी, ये है एक लाइन विदाउट एनी लेंथ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस एल लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, कोई भी पॉइंट लेकर, टेक अ पॉइंट एक्स ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन का नाम दे देंगे एल, और हम इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए। परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, हमें आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट से मान लेते हैं बी है, ये सी है, बी से आर्क लगाएंगे, सी से आर्क लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लगेगा ये वाला आर्क नहीं, फिर यहाँ से और यहाँ से आर्क लगाएंगे। तो मान लेते हैं इसका नाम डी है। अब ए से डी को मिलाते हुए परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, खींच दिया हमने। अब ये क्या कह रहा है कि इस परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट लेना है एच,
जो कि L से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो प्रकार के नोक को आप यहाँ रखिएगा A पे, 4 सेंटीमीटर खोल लीजिए और यहाँ से नोक रखना है। पेंसिल यहाँ रखते हुए आप आर्क लगा देंगे। मान लेते हैं इसका नाम X, मान लेते हैं दिया ही हुआ है। ये कितने डिस्टेंस है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका जो ये प्रकार के नोक से आपने जो ये आर्क लगाई थी, उतनी ही आर्क यहाँ से भी आप लगा देंगे। और इसका नाम जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए, यू देना चाहते हैं यू दे दीजिए। फिर सी, और मान लेते हैं यहाँ पे ई है, सी और ई की लेंथ नाप लीजिए। यहाँ पे नोक रखिए, यहाँ पे पेंसिल, ठीक वैसे यू से नापते हुए यहाँ पे आप नोक रखेंगे, पेंसिल और नोक हो गया ना। तो मान लेते इसका नाम वी है। वी एक्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन को आपने ड्रॉ किया है, और ये किसके पैरेलल है? एल के। मान लेते उसका नाम एम है, एल इज पैरेलल टू एम। स्टेप्स, कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स वही होंगे जो कि ऊपर आए थे, सारे सारे स्टेप्स यही होंगे। ठीक है, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ ही आपके लिए बच्चों एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स अपलोड हो रहे हैं, तो आप उसको जरूर देखिएगा। साइंस प्लस मैथ और इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन अपलोड होना शुरू हो चुका है, तो इनको जरूर देखिए। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।